काम कर सकते हैं, और जो मेरी माएँ बहनें बैठी हैं जिनके इलम में नहीं है, वो फजर के फौरन बाद और ईशा के फौरन बाद जो मेरी माएँ बहनें बैठी हैं वहाँ पे जाके नफल अदा कर सकती हैं। इकराम मक्का और मदीना एक ऐसा शहर है जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल का जब बुलाया होता है वही यहाँ पे आते हैं, वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो इकराम इससे पहले अगर इकराम अगली जो हमारी ज़ियारत होगी आपके सामने, आप जो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मस्जिद है, जब मस्जिद बनकर तैयार होगी तो मदीना के लोग आज़ीज़ की खिदमत में हाजिर हो कहने लगे कि यार सल्ला या हबीब अल्लाह, मक्का के लोग तहज भी करते हैं, उमरा भी करते हैं, तवाफ भी करते हैं, सही भी करते हैं, सब कुछ उनके पास है यार सल्ला, वो हमें भी यार सल्ला कोई ऐसा अमल बताएं कि हम भी उनके जितना साफ अमल कर सके। तो आज़ीज़ ने फरमाया तो उसको मालूम होता कि यसरिब का इलाका है, अपने काफले का रुख मोड़ लेते, उनको डर होता खौफ होता कि हम भी किसी बीमारियों में मुसीबतों में ना घिरे जाएं। तो इकराम जब आप सल्लम यहाँ पे तशरीफ लाए तो ये रहमतों वाला शहर बन गया, बरकतों वाला शहर बन गया, मदीना पाक बन गया, बोला जी सुभान अल्लाह। तो इकराम आज ने फरमाया इसको यसरिब नहीं कहना, इसको चाहत में, प्यार में, मोहब्बत में ताबा कहना, तैबा कहना, तारजमान कहना, मदीना मुनवरा कहना, मदीना मुनवरा यानी रोशनी वाला शहर। तो इकराम जब आसम यहाँ पे तशरीफ लाए तो अल्लाह पाक ने यहाँ की आबो हवा में, यहाँ की मिट्टी में भी शफा रख दी। तो इकराम हमारी जो पहली ज़ियारत है वो रोज़ा रसूल और मिंबरे रसूल के दरमियान रहने वाली जगह। तो इकराम अगली जो हमारी ज़ियारत होगी मस्जिद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला के नाम से मस्जिद ज़ुन्नूरैन, दो नूर वाली मस्जिद भी कहा गया। दो नूर वाली मस्जिद इसलिए कहा गया कि जहाँ पे सहाबा कराम के घर हुआ करते थे उनके नाम से वहाँ पे मस्जिदें बना दी। पहली मस्जिद ज़ुन्नूरैन भी कहते हैं और मस्जिद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला, दो नूर वाली मस्जिद भी कहा गया इसको, मस्जिद ज़ुन्नूरैन इसलिए कहा गया। मदीना पाक की ज़ियारतों के लिए हमारा काफिला रवाना हो चुका है, तमाम साथियों से गुजारिश है कि वो अपनी जुबान को दुरूद पाक से मुअत्तर रखें और जिस ज़ियारत पे आपकी नज़र पड़े तो लाजमी सुबहान अल्लाह कह दीजिएगा। सुबहान अल्लाह कहने से अल्लाह पाक उसके नाम का जन्नत में इतना बड़ा दरख्त लगा देते हैं कि अरबी नस्ल का घोड़ा कई घंटे उसके साय के नीचे दौड़ता रहे तो उसके साय को क्रॉस नहीं कर सकता। तो ठीक है, जैसे इशारा खुलेगा अपने उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे, पहली मस्जिद आपको नजर आएगी इस उल्टे हाथ की तरफ, यह देख नजर आ रहा ना ये हाथ, जिस तरह जो हाथ मैंने ऊपर खड़ा किया हुआ इस हाथ की तरफ आपने देख रहे इस तरफ, ये देखेंगे ये मस्जिद की तामीर हो रही है, देखेंगे जहाँ पे आप जंग के दौरान खेमा हुआ करता था, ये देखेंगे थोड़ा सा आगे जाके ये मस्जिद की तामीर हो रही है, दोबारा से उसको रिन्यू कर रहे हैं, ये देख सकते हैं इस जगह पे का जंग के दौरान खेमा हुआ करता था, मस्जिद फतह ये सामने देख सकते हैं। और इसी के साथ ये नीचे ब्लैक कलर वाली जो कब्रनामा मस्जिद नजर आ रही है, यहाँ पे हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला का जंग के दौरान खेमा हुआ करता था। और इसी के साथ अकरम ये देखेंगे मस्जिद आपको नजर आ रही है जामिया खंदक के नाम से, जामिया खंदक के नाम से सामने तख्ती लगी है, बोर्ड भी लगा जामिया खंदक के नाम से, यहाँ पे दो सहाबा कराम के खेमा हुआ करते थे जंग के दौरान, उनको शहीद करके एक ये मस्जिद बना दी गई है और ये मस्जिद भी नमाज के औकात में खोली जाती है जामिया खंदक के नाम से, हजरत अबू बकर सद्दीक और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला के नाम से। और इसी के साथ ये देखेंगे बिल्कुल एक छोटी सी मस्जिद नजर आएगी आपको यहाँ पे, हजरत फातिमा तुज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा,
بالکل برآمدہ نما مسجد النبوی کی سیڑھیاں جا رہی ہیں اوپر، وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ کے دوران خیمہ ہوا کرتا تھا، سامنے نظر آ رہا ہے نا سب کو خیمہ، وہ جگہ، وہ مقام و مسجد نظر آ رہی ہے نا، اکرام اس جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو، جن کو شیر خدا کا یعنی اللہ کا شیر بھی کھا گیا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اسی کے ساتھ تھوڑا سا آگے جا کے اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے اپنا تین نواں مسجد چار طرف کا، یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جنگ کے دوران خیمہ ہوا کرتا تھا، جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوتے اکرام. ابھی بھائی ہمارے سوچ رہے ہوں گے خندق کس جگہ پہ کھودی گئی تھی، خندق اس جگہ پہ، جس جگہ پہ ابھی گاڑی ہے نا اس جگہ پہ خندق کھودی گئی تھی، سیدھے ہاتھ کی طرف مسلمان تھے اور الٹے ہاتھ کی طرف کفار تھا. اس طرح یہ جبل سلسلہ پہلے جتنی بھی جنگیں ہوا کرتی تھی شہروں سے باہر ہوا کرتی. ایک منٹ رک جاؤ، آپ آگے ہو نا، وہی ساتھ مہینے کے ساتھ جائے گی، ساتھ واپس آ جائے گا، پورے نہیں پائیں گے نا، ایک ساتھ میں جاؤ. અંદર મૂકી દેવાય ને પાંચડા. Thank you.
ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الله بن عمر رضي الله عنه.